गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग टेराकोटा पॉट्स से कुछ एक नया शेप को सीखेंगे बनाने के लिए। कि जो मार्केट में टेराकोटा पॉट ऑलरेडी जो मिलता है उसको हम एक नया तरह का शेप दे सकते हैं, उसमें कुछ अलग तरह का कुछ काम कर सकते हैं। तो ये हमने पिछले कई क्लास में किसी क्लास में बताया था और बहुत सारा स्कोप होता है कि अब टेराकोटा ऑलरेडी टेराकोटा पॉट्स में बहुत सारा कुछ को काट छांट के या कुछ ऐड करके उसको बनाएंगे और कुछ नया चीज या कोई नया शेप दे सकते हैं। तो ये एक टेराकोटा पॉट है, ये कलश है, इसको हम एक जग का शेप देने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये आर्मेचर के लिए ये वायर को इसके साथ में अटैच किया है और ये बिल्कुल से जो है जग की तरह, हम इसको शेप ऐसे ही देखने में जग की तरह लग रहा है इस, और ये हमने ये वी शेप में काटा है। यहां पर हमने स्पाउट बनाएंगे और ये जग का शेप दे सकते हैं और इसके बाद हम चाहे तो इस पर थोड़ा सा ये कुछ काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ में थोड़ा सा उभरा हुआ काम कर सकते हैं। तो तरह तरह का इस तरह का पॉट से हम लोग कुछ नया चीज बना सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कुछ भी चीज। और उसको बनाने के लिए जो मीडियम है हमारे पास, ये मीडियम हम इसी ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स का डस्ट को ये फेविकोल से मिला करके हम इसका बिल्कुल मिट्टी की तरह इसको अच्छे से गूंथ लिए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट क्ले की तरह है। लेकिन ये क्ले की तरह प्लास्टिसिटी इसमें नहीं होता है, तो बहुत सावधानी से यूज करना है। मतलब कि ये ज्यादा अगर हम इसको सानेंगे तो वो ज्यादा और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो टिकेगा नहीं। इसलिए हमेशा इसको ध्यान देना है कि अगर बहुत ज्यादा ये लचीला हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रिक डस्ट ऊपर से मिला करके फिर इसको सही शेप करके हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जगह पर हम फेविकोल यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये फेविकोल हम लिए और बहुत ज्यादा इसमें लार्ज निकला हुआ शेप में नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये फेविकोल में बना हुआ एक तरह मीडियम ये बना है और फेविकोल के कारण जो है वो ज्यादा फैलने लगता है और टूट के गिर जाएगा। तो जितना वो संभाल पाएगा उतना ही लगाना इसके ऊपर और थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ब्रिक डस्ट को ऊपर से हम थोड़ा छिड़क देंगे तो वो ज्यादा फैलेगा नहीं। और थोड़ा बहुत कहीं टूल्स का भी जरूरत पड़े तो टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा क्वाइल शेप में भी ले सकते हैं, थोड़ा क्वाइल बना करके इस तरीके से इसको भरेंगे। वी शेप को हम भर देंगे अच्छे से, जो हमने वी शेप में बनाया उसको भर दिए और पॉट का जो गोलाई है, जो नेचुरल गोलाई है वो आ गया। अब हम इसको स्पाउट का शेप देंगे। इसके लिए हम धीरे 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 दबाव देंगे और ये हमारा स्पाउट की तरह शेप बनता जा रहा है। इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होता है इसलिए इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा इसमें ये ब्रिक डस्ट को हम स्ट्रेंथ के लिए
मिलाएंगे और वो थोड़ा सा टिकाव हो सकता है इसकी। इस तरीके से छिड़क देंगे और ये स्पाउट हमारा बन गया है। अब इसके हैंडल में हम काम करेंगे। हैंडल में भी यूज करने के लिए थोड़ा सा फेविकोल लगा सकते हैं उसके ऊपर और क्ले को ऐसे बैठाते जाएंगे। एक सिंगल लेयर, पहले एक सिंगल लेयर लगाएंगे, फिर जरूरत के हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो हमने जीआई वायर का आर्मेचर बनाया है इसको ये कवर कर ले। अब ये वायर को छुपाने के लिए हम इस पर एक कॉइल बनाएंगे जो एक थोड़ा सा डेकोरेटिव भी एक बॉर्डर की तरह बन जाएगा इसमें और ये हमारा वायर भी छुप जाएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल से छिप गया है, जो हमने वायर लगाया वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। तो ये हम इस तरीके से इसको इसके अंदर कर दिए और ये मजबूत भी हो गया। वायर जो है इसके अंदर दब गया तो ये मजबूत हो गया और ज्यादा। तो इस तरीके से हम कोई भी मनचाहा शेप दे सकते हैं
ऑलरेडी जो टेराकोटा पॉट मार्केट में मिलता है उसको लेकर के हम तरह तरह का क्रिएशन कर सकते हैं। इस तरह टूल्स से थोड़ा सा फिनिशिंग करते हुए अब जो है दूसरी तरफ हम यूज करेंगे। इसमें किले की तरह स्ट्रेच नहीं होता है, लेकिन एक थोड़ा सा एक लेयर लगाने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाने के बाद दूसरा लेयर इजिली मिल जाता है। और इस तरीके से और ये पेस्ट इसका हैंडल भी हम बना रहे हैं, बन चुका है ये लगभग, लेकिन ये थोड़ा सा इसको सेट होने में टाइम लगेगा। और इस पर जैसे बाकी जगहों में हम कुछ कर इस तरह का कुछ लाइनिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक लेयर हार्ड होने के बाद फिर दूसरा लेयर लगा के हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये टूल्स का दबाव से इसमें टेक्सचर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से हम पॉट को, एक साधारण पॉट को हम एक शेप दे दिए मग का इसमें। और ये हार्ड होने के बाद बिल्कुल हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सूख जाने के बाद इतना हार्ड हो जाएगा तो हम इसके ऊपर पेंट करके, इसको कलर करके, डिजाइन करके एक बिल्कुल ही लुक चेंज कर सकते हैं। सूखने के बाद हम इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस के उसको अच्छे से शेप को और अच्छा बना सकते हैं। और इसको पेंट करके, सुंदर डिजाइन करके इसको हम यूज भी कर सकते हैं। इतना ये मजबूत हो जाता है। तो ये टेराकोटा का जो पॉट है और इसका जो डस्ट है इसको हम यूज करके मनचाहा कुछ भी शेप को, जो हम टेराकोटा पॉट्स मार्केट से खरीद के लाते हैं उससे हम तरह तरह का चीज, नया चीज बना सकते हैं।
और उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक काम तैयार हो गया और ये बिल्कुल पेंट होने के बाद बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये पॉट था, ये बिल्कुल देखने में ये डायरेक्ट जग ही लग रहा है और ये लगेगा कि नेचुरली इसको जग ही बनाया गया होगा। तो ये हम इस तरीके से बनाने के बाद हम इसको थोड़ा फिनिशिंग करेंगे और सैंड पेपर से घिस के उसके बाद फिर कलर के लिए हम एमल्सन पेंट यूज कर सकते हैं, एनामल पेंट का यूज कर सकते हैं और उस पर तरह तरह का डिजाइन हम बना सकते हैं। तो एक हमारा ये काम तैयार हो गया और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा ये काम। इस तरीके से घर में आप नए नए तरीके का तरह तरह डिजाइन में आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।